रतलाम में दवा कंपनी इप्का लेबोरेटरी के प्लांट में देर रात आग लग गई। घटना 1 बजे की है। कंपनी के आईबीडी प्लांट में धमाके होने लगे और कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगी। इप्का की फायर फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसमें आधे घंटे का समय लग गया। हादसे के वक्त रात्रिकालीन शिफ्ट में सैकड़ों कर्मचारी प्लांट में काम कर रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्लांट में लगी आग की वजह से बड़ी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया। कंपनी प्रबंधन ने हादसे के बारे में फिलहाल कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। आग इतनी भीषण थी कि कंपनी से 3 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। बीच में धमाकों की भी आवाज आ रही थी। वहीं जानकारी के अनुसार यह अग्निकांड आईबीडी 10 प्लांट में हुआ, जिस पर फायर फाइटिंग टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों और घटना के हुए नुकसान के बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो सका है।